So hello guys, welcome back to my channel. My name is Ritika. I hope you all are doing absolutely great. If you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel first and hit that small bell icon so you'll be notified every time I upload a video. So today's video is on how to set your base of your makeup, especially for the beginners who don't know that how to set the base only of makeup or wo chahte hai ki hum seekhe. So yes, today's video is on how to set a base. So I'm here to explain y'all ki aap logo ko apna base kaise set करना है, कैसे हमारा बेस कितना अच्छा लगेगा, कितना फ्लॉलेसनेस आएगा हमारे मेकअप में, कितना ब्यूटीफुल लगेगा हमारा मेकअप. उसके लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा बेस क्लियर होना. बेस अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा मेकअप अच्छे से नहीं आएगा. सो आज का वीडियो उसी पर है. सो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे बेस अपना क्लियर होना चाहिए फॉर द बिगनर्स, और जो चाहते हैं कि हम मेकअप सीखे और सीखना भी चाहते हैं फॉर देम टू. सो आज का मेकअप वही है, आज का वीडियो वही है. गर्ल्स, मेक श्योर आप लोगों को मेकअप सीखना है, उसके लिए आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ही बात, वो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है. अगर आप लोग पेशेंस नहीं रखोगे, आप लोग अगर फटाफट सब चीज़ें चाहोगे तो वो नहीं मिलेगी. सो आप लोगों को थोड़ा तो भी पेशेंस रखना ज़रूरी है. सो यस, इसी पेशेंस की तरह मेरा वीडियो देखिए और सीखिए. सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल जंप इनटू द वीडियो. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यस गाइस, फर्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई इज मॉइस्चराइजर. यू ऑल कैन सी दिस इज निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. सो यस, मैं अपनी स्किन मॉइस्चराइज कर लूँगी सबसे पहले. मॉइस्चराइज़र आपको एटलीस्ट 5 मिनट तक रखना है अगर आप अच्छी स्किन चाहते हो तो. तब तक आपको अपने लिप्स पे लिप बाम लगा के लेना चाहिए. दिस इज़ एक्चुअली नॉर्मल लिप बाम यू कैन सी, बट इट्स वेरी नाइस. और मैं इसे बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ और ये मुझे बहुत सूट हो चुका है अपने लिप्स पे. तो उसके बाद आपको यूज़ करना है वो है प्राइमर. गाइस, मेक श्योर आप बहुत ही अच्छा प्राइमर यूज़ कीजिए, क्योंकि प्राइमर हमारे फेस पे एक सॉफ्टनेस देता है और मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग और एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल दिखता है प्राइमर यूज़ करने के बाद. सो मेक श्योर आप लोग भी अच्छा प्राइमर यूज़ कीजिए. मैं ये प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ. सो यस, आफ्टर प्राइमर मैं यूज़ करने वाली हूँ फाउंडेशन. सो गाइज, मेक श्योर फाउंडेशन आपके स्किन टोन के हिसाब से ही हो. आप ज़्यादा भी लाइट फाउंडेशन ना ले कि आपको बहुत ज़्यादा फेस आपका ग्लोई दिखना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा फेयर दिखना चाहिए फॉर एग्जांपल. सो आप लोग कोई आप एकदम लाइट फाउंडेशन ना यूज़ कीजिए और ना ही डार्क फाउंडेशन यूज़ कीजिए. मेक श्योर आप लोग अपने स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन यूज़ कीजिए. सो वो ही आपका मेकअप अच्छा दिखेगा, ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप लोग फाउंडेशन ही गलत लोगे. और मेक श्योर ऑनलाइन खरीदने से पहले आप लोग फाउंडेशन स्टोर से ले अपने स्किन टोन के हिसाब से. बिग टिप फॉर यू ऑल. सो मैं अभी लगाने जा रही हूँ वो है फाउंडेशन. सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. तो यस, आप लोग देख सकते हैं गाइस, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी ब्लेंडिंग पे. जितना अच्छे से आप ब्लेंडिंग अपने मेकअप को करोगे, उतना ही आपका मेकअप और अच्छा दिखेगा. सो मेक श्योर आप लोग बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग कीजिए. सो यस, हमारा फाउंडेशन लग चुका है और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है कंसीलर. ये देखिए है कंसीलर, आप लोग देख सकते हैं आई होप. सो गाइस, कंसीलर आप जिस भी फेस एरिया पे लगाओगे वहाँ पे ही आपको अच्छे से ब्लेंड करके लेना है. उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मत लेके जाइए.
सो इसके बाद मैं अपना मेकअप अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर से सेट करने जा रही हूँ। सो यस गाइस, मैंने अपना बेस अच्छे से पाउडर से फिक्स कर लिया है क्योंकि वो ज़्यादा क्रीमी ना लगे। सो अब मैं करने जा रही हूँ वो एक कॉन्टोरिंग। सो कॉन्टोरिंग भी एक पार्ट होता है एक मेकअप बेस का, कि आप लोग कैसे अच्छे से मेकअप करते हो बिफोर आई मेकअप, जो भी हमारा बेस है वो हम लोगों को क्लियर करना है, इसलिए हम कॉन्टोरिंग करने वाले हैं अभी। सो यस, एंड दिस इज द कॉन्टोरिंग थिंग। हम अभी ब्लश करने जा रहे हैं। ब्लश भी एक पार्ट होता है मेकअप बेस का। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ ब्लश। सो मैं सो आई एम गोइंग टू यूज दिस लिटिल पीच कलर ब्लश फॉर द स्माइल। सो यस, हमारा बेस अभी टोटली हो चुका है। आप लोग देख सकते हो जितना भी आप ब्लेंडिंग कर सकते हो अपने फाउंडेशन को, अपने कंसीलर को, अपने कॉन्टोरिंग को भी और अपने ब्लश को भी, जितने अच्छे से आप यूज़ करोगे, जितने अच्छे से आप करोगे, मेक श्योर आप प्राइमर बहुत अच्छा ले। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके मेकअप को बहुत ही अच्छा फिनिशिंग लाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल आता है अपना मेकअप। सो बाकी का मेकअप मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है। सो यस गाइज, आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आई वुड लव टू आंसर। कोई भी मेकअप टिप चाहिए आप लोगों को या फिर मैं कोई भी मेकअप आप जो चाहते हो वो मैं अपने फेस पे फर्स्ट ट्राई करूँ, कोई भी स्मोकी आईज या फिर कुछ भी आप लोगों को अगर जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो मैं आप लोगों को बता सकूँ कि वो कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। सो यस, हमारा बेस मेकअप का ट्यूटोरियल यहाँ पर ही ख़त्म होता है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन सो आई विल नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। सो आप लोगों को रहना है घर पे सेफ और अच्छे से। टिल दैट, स्टे होम स्टे सेफ। बाय बाय।